हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे ये वचन इब्रानियों 11 का 1 में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये वचन हमें सिखाता है विश्वास में दृढ़ होना। विश्वास में दृढ़ होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो कुछ भी हम चाहते हैं परमेश्वर से, ये सब कुछ हमें विश्वास से ही मिलेगा। क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर को देखते हैं, तो वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत सारा वचन विश्वास के ऊपर दिया। जैसे विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और बाइबल में यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान भी है, तो तुम इस पहाड़ को कहोगे उखड़ और नदी में जा पड़, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये विश्वास हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल ये हमें बताती है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है। तो जो कोई भी परमेश्वर के पास आता है, यानी कि चर्च में आता है और वहाँ पर लोगों के काम हुए देखता है, लोगों की गवाहियाँ सुनता है, तो दूसरे के अंदर विश्वास पैदा होता है। और ये विश्वास हमें ये यकीन दिलवाता है कि हमारा भी काम होगा, हमें भी परमेश्वर छुएगा, हमारी भी गवाही बनेगी, परमेश्वर हमसे भी बात करेगा। तो हमें इस विश्वास को बनाए रखना है, क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने कहा था कि नित्य प्रार्थना करते रहना और हियाव मत छोड़ना। हियाव वो भी हमारे विश्वास का ही रूप है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, मान लो अपनी हीलिंग के लिए कुछ मांगते हैं, जब अपने खुशहाली के लिए हम बात करते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो सुनता नहीं है। परमेश्वर सुनता है, लेकिन वो हर चीज़ को अपने समय में देता है। जैसा किसी का विश्वास होता है, वैसा ही परमेश्वर उसके साथ काम करता है। क्योंकि जब यीशु मसीह के पास लोग आते थे और यीशु मसीह उनसे पूछता था कि क्या तुम्हें विश्वास है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, तो वो आगे से जवाब देते थे, हाँ आप कर सकते हो। तो विश्वास हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना विश्वास के हम मरे हुए हैं। क्योंकि एक ठोस विश्वास, एक दृढ़ विश्वास ही अपने लिए चिंगाई को ले सकता है, और ऐसा इंसान कभी भी लज्जित नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चर्च में आ रहे हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास भी करते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास भी करते हैं, लेकिन उनके जीवन में वो चिंगाई, वो काम प्रकट नहीं होते जिनके लिए वो आए होते। तो वहाँ पर होता क्या है? क्योंकि वो भी अपने विश्वास में कहीं आगे पीछे ही होते हैं। और जो ढीला मन और ढीला विश्वास होता है, उस विश्वास से परमेश्वर को काम करने में मुश्किल आती है। परमेश्वर चाहे तो एक पल में सब कुछ चेंज कर सकता है हमारे जीवन में, लेकिन परमेश्वर हमारा विश्वास भी साथ में चाहता है। क्योंकि अगर हमारा विश्वास कमज़ोर है, हमें भरोसा ही नहीं है परमेश्वर के ऊपर कि वो कुछ कर सकता है हमारे लिए, तो ऐसा विश्वास हमें परमेश्वर के सामने वो सब चीज़ें नहीं दिलवा सकता जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए यही मैसेज है कि जो भी मैसेज है कि वो परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखें और किसी भी बात की चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर को हमारी फिक्र है। और विश्वास में मजबूत रहें, क्योंकि मजबूत विश्वास हमारे लिए बड़ी बड़ी गवाहियाँ पैदा करता है। क्योंकि जब हम देखते हैं बाइबल में, 12 साल की जो रोगन थी, उसको पूरा विश्वास था कि जब मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी, उसका पल्ला छूंगी और मैं तुरंत चंगी हो जाऊंगी। तो उसके विश्वास ने उसको चंगा किया। और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, जैरुस नाम का एक व्यक्ति था, उसकी बेटी मर चुकी थी और यीशु मसीह ने उसको कहा था, यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा देखेगा। विश्वास, प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर भी विश्वास को ही वहाँ पर इंडिकेट किया, उनको बार बार पुश किया कि विश्वास रखो। तो हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है, और हर काम में, और हमें हर हाल में और हर बात में परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ, परमेश्वर के साथ बने रहना है, और अपने मन को बिल्कुल भी कच्चा नहीं करना। क्योंकि जब हम अपना मन कच्चा करते हैं, तो नेगेटिविटी को, शैतान को मौका मिलता है हमारे जीवन में काम करने का, और हम नेगेटिविटी की, यानी कि शैतान की
तो हमें शैतान की कोई भी इच्छा पूरी नहीं करनी है, हमें सिर्फ परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है। इसलिए विश्वास में दृढ़ रहें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें और अपने मन को सही रखें। तो सबको जय मसीह की।